कच्ची मस्जिद ट्रस्ट द्वारा अकोला विदर्भ के आम लोगों के लिए अकोला सुभाष चौक पर निर्मित मेमन टावर जनवासा का उद्घाटन विधायक गोपी किशन बजोरिया और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के अध्यक्ष इकबाल मेमन ऑफिसर के हाथों किया गया। इस दौरान फेडरेशन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और मेमन समाज के साथ साथ स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। विधायक बाजोरिया ने मेमन समाज द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि इस जनवासा की अकोला में बहुत जरूरत थी। वहीं ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के अध्यक्ष इकबाल मेमन ने बताया कि इस जनवासा का लाभ आम लोग हो या खास सभी उठा सकेंगे। आज हमारे अकोला नगरी के लिए इकबाल भाई ऑफिसर जो पूरे वर्ल्ड के वाइस प्रेसिडेंट है उनके हाथों से आज एक शादी खाने का और उसी के साथ में एक एम्बुलेंस का जो सामाजिक कार्य को मद्देनजर रखते हुए मेमन समाज के लिए आज उन्होंने दो उपलब्धियां हासिल की है यहाँ पे, ये हमारे लिए गौरव की बात है। निश्चित रूप से आज समाज के अंदर 10-20% लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसी चीज़ की अत्यंत आवश्यकता होती है, जिनको जो नहीं मिलती वो चीज़ आज शादी खाना हो या एम्बुलेंस हो वो जो उपलब्ध कराई है, निश्चित रूप से ये मेमन समाज के लिए तो लाभदायक ठहरेगी। मुझे ऐसा लगता है अन्य समाजों के लिए भी अगर इसकी उपलब्धि के लिए कभी आवश्यकता पड़े तो मुझे विश्वास है कि मेमन समाज हर समय हर समाजों के लिए भागा है। और हमारे जावेद जखरिया जी तो समाज के लिए अपना जीवन ही समर्पित इतनी सी उम्र में उन्होंने किया है, और जब भी जावेद जखरिया जी का हमको फ़ोन आता है तो हमको ऐसे लगता है कोई तो भी बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है। और पिछले 15 सालों से जावेद जखरिया जी का एक भी प्रोग्राम ऐसा होगा रफीक भाई मैंने छोड़ा नहीं, मुझे याद नहीं आता। आज भी हमारी पक्ष की इतनी बड़ी मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस है अभी 12 बजे, लेकिन जावेद जखरिया जी से इतना डर लगता है कि पहुंचना पड़ेगा क्योंकि वो पूरे सामाजिक काम में अपने आप को झोंके हुए है। आज पूरे ऑल इंडिया से मेमन समाज के जो भी पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं, चाहे इकबाल भाई ऑफिसर हैं उनके साथ में और भी वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, ट्रेजर है, कर्नाटक से भी आए हुए हैं, ये सब लोगों का यहाँ आना, ये हमारी नगरी के अंदर हमारी नगरी आज धन्य हुई है। मैं सबको शुभेच्छा देता हूँ कि आपके साथ इसी प्रकार के कार्य सिर्फ अकोला तक सीमित ना रह के पूरे वर्ल्ड में सीमित हो और मेमन समाज अपनी एक निश्चित रूप से मेमन समाज अपनी पहचान पूरे वर्ल्ड में बनाएगा और आज बनी हुई है। ऐसा कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मैं आमदार गोपी किशन बाजोरिया, पहले तो यहाँ के आमदार बाजोरिया जी का हम ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के तरफ से इस्तकबाल करते हैं कि ये हमारे खुशी के प्रसंग में ये शामिल हुए, हमारी खुशी को दोगुना इन्होंने किया, हम इनके शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले तो एक एम्बुलेंस की यहाँ ज़रूरत थी जो मरीजों को हॉस्पिटल में पहुँचाना, एमरजेंसी। देखिए मौत इंसान के हाथ में नहीं है, वो कुदरत के हाथ में है, मगर जल्दी उसकी सारवार उसको मिल जाए और जल्दी हॉस्पिटल वो पहुँचे, ये हमारा फर्ज है कि हमको पहुंचाना मरीज को। तो ये हम एक छोटा सा प्रयास एम्बुलेंस दे करके ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की हमारी पूरी टीम यहाँ, हमारे सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, हमारे तमाम कन्वीनर, पूरी इंडिया के लोग, जोनल सेक्रेटरी, हमारे सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस अवसर पर। ये हमको बड़ी खुशी है कि ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को ये मौका मिला। दूसरा, ये कच्ची मेमन मस्जिद की तरफ से ये आलीशान इमारत जो बनी है, शादी ब्याह के लिए जो बारात आती है उसके लिए पूरी सहूलियत वाला, उसके अंदर हॉल भी है और उसके अंदर रूम भी है जो बारात ठहर सके, दूल्हा दुल्हन का कमरा भी उसके अंदर है, और बेहतरीन तरीके से ये बना हुआ है। 4 माले का ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत बारातियों को जो बाहर से आते हैं शादी में यहाँ, तो उन लोगों को बड़ी सहूलियत हो जाएगी और इससे जो भी आमदनी होगी ये सार्वजनिक न सिर्फ मेमन के लिए बल्कि पूरी आवाम के लिए, इंसानियत के लिए ये काम में आएगी। और हमारे मेमन बरादरी जो है वो इंसानियत का काम करती है, और इंसानियत का काम करती है हमारी मेमन बरादरी जो है वो कोई भेदभाव नहीं रखती है। यहाँ विदर्भ के अंदर जब पानी का दुकाल था तो हम लोगों ने कई कुएं खुदवा दिए सर, हमने समूह लग्न करवा दिया किसानों का, और कई ऐसे काम हम लोगों ने किया सार्वजनिक कि इसमें कोई भेदभाव हमने नहीं रखा है कभी भी। तो ये मेमन टावर की हम आज ओपनिंग कर रहे हैं और आप लोगों को, काकोला जमात को और तमाम लोगों को मेमन टावर की ओपनिंग की मुबारकबाद देते हैं।
CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।